नमस्कार, मैं ELTC की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह हमारा W7 का नवीनीकृत ट्रेनिंग कार है। मैं पिछले वीडियो में आपको DJ कंट्रोल सर्किट तथा उससे संबंधित दोष निवारण के बारे में बताया था। मैं आज इस वीडियो में आपको ब्लोअर कंट्रोल सर्किट तथा उससे संबंधित दोष निवारण के बारे में बताने जा रहा हूं। यह हमारा ब्लोअर कंट्रोल सर्किट है। अब मैं DJ बंद करने जा रहा हूं। देखिए, DJ बंद करने के बाद CCF फ्यूज DJ तथा CX18 के इंटरलॉक के माध्यम से हमारा Q100 रिले एनर्जाइज हो गया तथा इसका अंडर इंटरलॉक सारे ब्लोअर कंटेक्टर के कंट्रोल सर्किट के कॉमन ब्रांच पर बंद हो गया है। अब मैं ब्लोअर स्विच के लिए BLVMT स्विच का ऑन कर रहा हूं। तो देखिए, HVRH 1 या 3 अवस्था में होने के पर C107 कंटेक्टर क्लोज हो गया तथा MVRH चालू हो गया। C107 कंटेक्टर क्लोज होने से इसका अंडर इंटरलॉक QTT105 पर बैठा। QTT105 एनर्जाइज होकर उसका अंडर इंटरलॉक 5 सेकंड के बाद CX5 तथा QTT106 के कॉमन ब्रांच पर बैठ गया। CX5 के एनर्जाइज होने से हमारा फ्लोर मोटर MVMT1 चालू हो गया। QTT106 एनर्जाइज होने के 5 सेकंड के बाद उसका अंडर इंटरलॉक C106 के ब्रांच पर बैठा तथा C106 कंटेक्टर को क्लोज किया। C106 कंटेक्टर क्लोज होने से हमारा लोअर मोटर MVMT2 भी चालू हो गया। कि लोको पायलट BLVMT स्विच को बिना ऑन किए भूल से रिवर्सर दे करके और नॉच लेना शुरू कर दिया, तो देखिए क्या होता है। देखिए, BLVMT को बिना ऑन किए यदि ड्राइवर रिवर्सर लेकर के नॉच लेना शुरू किया तो हमारी सप्लाई MPGA फॉरवर्ड या रिवर्स और DR के नॉच वाले इंटरलॉक के माध्यम से C107 कंटेक्टर को मिली, C105 कंटेक्टर को मिली तथा C106 कंटेक्टर को मिल गई और हमारा ब्लोअर मोटर MVRH, MVMT1 और MVMT2 चालू हो गया। BLVMT ऑन करने के बाद C107 एनर्जाइज नहीं हुआ तो हम अब इसके स्विच HVRH की जांच करने जा रहे हैं। देखिए, HVRH स्विच 0 अवस्था में है। अब इसको हमको 1 नंबर अवस्था में करना है। अभी हम 1 नंबर अवस्था में इसको कर दिए और 1 मिनट ऑन करने के बाद अब BLVMT को ऑन कर रहे हैं। देखिए, अभी स्विच के सही अवस्था में नहीं रहने के कारण BLVMT ऑन करने पर मोटर नहीं चल रहा था, लेकिन अभी हमारा ब्लोअर मोटर सारा ब्लोअर मोटर फिर से चालू हो गया। मैं आपको एक ट्रबल बताने जा रहा हूँ। देखिए, ड्राइवर अभी सारा स्विच हमारा नॉर्मल पोजीशन में है, लेकिन जब हम BLVMT ऑन कर रहे हैं तो ब्लोअर मोटर चालू नहीं हो रहा। देखिए, BLVMT ऑन किए लेकिन सप्लाई हमारा C107 कंटेक्टर क्लोज नहीं हुआ। अब हम C107 कंटेक्टर को वेज करने जा रहे हैं। अब देखिए, C107 कंटेक्टर को हमने बहुत ही अच्छी तरह से वेज कर दिया है। देखिए, इसका सब वेज करने के बाद इसका इंटरलॉक भी ऑपरेट हो गया और अब मैं इसको वेज करने के बाद फिर BLVMT को हम ऑन करने जा रहे हैं। देखिए, BLVMT को हम ऑन किए और CX107 कंटेक्टर चूँकि हम वेज कर चुके हैं, उसका ब्लोअर मोटर MVRH चालू हो जाएगा और उसका इंटरलॉक भी बैठा हुआ है तो QTT105 और QTT106 एनर्जाइज होकर के CX105
और C106 को भी एनर्जाइज किया और हमारा ब्लोअर मोटर MVMT1 तथा MVMT2 चालू हो गया। ट्रबल बताने जा रहा हूँ। अभी देखिए, अब मैं BLVMT स्विच को ऑन कर किया। BLVMT स्विच को ऑन करने के बाद C107 तो क्लोज हो गया, MVRH भी चालू हो गया, लेकिन QTD105 रिले एनर्जाइज नहीं हुआ किसी कारण से। अब हम QTD105 रिले को देखिए, QTD105 रिले जब एनर्जाइज होता है तो इसमें एक ग्रीन कलर की बत्ती जलती है, लेकिन यहाँ पर QTD105 में कोई बत्ती नहीं जल रही है। इसका मतलब यह है कि QTD105 रिले एनर्जाइज नहीं है और इसी कारण से QTD106 भी एनर्जाइज नहीं हो रहा है। अब हम QTD105 को वेज करने जा रहे हैं। देखिए, अब हम यहाँ पर QTD105 को वेज कर दिए हैं। QTD105 को वेज करके अब जब हम जाएंगे और BLVMT स्विच को ऑन करेंगे, अब हम QTD105 रिले को एनर्जाइज कर रहे हैं, कर दिए हैं। अब देखिए, हम BLVMT स्विच को ऑन कर रहे हैं तो क्या होता है। देखिए, QTD105 रिले को हम एनर्जाइज किया है तो देखिए, इसका इंटरलॉक यहाँ पर बंद हो गया और बंद होने से C105 कॉइल एनर्जाइज हो गया और MVMT कॉइल चालू हो गया और साथ ही साथ QTD106 भी एनर्जाइज हो गया है तथा इसका अंडर इंटरलॉक 5 सेकंड के बाद C106 के कंटेक्टर के ऊपर बैठा है तथा हमारा लोअर मोटर MVMT2 भी चालू हो गया है। हम देख रहे हैं कि अगर लोको पायलट को लोअर कंट्रोलर से कंट्रोल सर्किट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे LED सर्किट से ज्ञान लेने के बाद एक ड्राइवर को क्लियर हो जा रहा है कि हमको ट्रबल शूटिंग लोअर मोटर काम नहीं करने से क्या क्या ट्रबल शूटिंग करना पड़ रहा है और यह हमारे लोको पायलट के ज्ञान को विकसित करने में बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर बंद कर रहा हूं तथा अगले वीडियो में मैं आपको GR कंट्रोल सर्किट के बारे में बताऊँगा। ENTC की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।